दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि फिलहाल तिहाड़ में बंद हैं। तिहाड़ी हो गए हमारे अरविंद केजरीवाल जी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी शुरू से लेकर आज तक दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाती आई है। इनके ड्रामों की कहानी अक्सर हम आपको सुनाते रहते हैं। अक्सर इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके नेता आए दिन कोई ना कोई ड्रामेबाजी करते रहते हैं। अब आज इसी क्रम में इन्होंने अपने ड्रामेबाजी के क्रम में एक ये पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। एक्स पर इन्होंने फोटो डाली है जिस पे लिखा हुआ है प्रदूषण मुक्त दिल्ली आपका संकल्प। दोस्तों पहली बात, ये फोटो ही खुद अपने आप में एक मजाक है, एक भद्दा मजाक है दिल्ली वालों के लिए। लगभग पिछले 9 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल राज कर रहे हैं और पिछले 9 साल के अंदर इन्होंने इतना बुरा हाल दिल्ली का कर दिया है, जो हम अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताते रहते हैं। इन्होंने अपनी इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस फोटो के अंदर जो इन्होंने पोस्ट किए, इसमें दिख रहा हुआ कि इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण फ्री करने के लिए थर्मल प्लांट था उसको बंद किया। उसके अलावा इन्होंने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाली। दिल्ली के अंदर इन्होंने करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए हैं और दिल्ली को साफ पानी मिले इसके लिए यमुना जी की सफाई भी की है। दोस्तों ये अपना ये फोटो जो है ये अपने आप में ही बेमानी है। बेमानी इसलिए क्योंकि ये फोटो साफ साफ दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों पिछले 9 साल के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर राज कर रहे हैं तब से लेके आज तक ना तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हुआ, कम होना तो बहुत दूर की बात है, बड़ा ही है। प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर, सबसे ज़्यादा गंदे शहरों के अंदर दिल्ली का नाम आता है। उसके अलावा अगर बात करें यमुना की, तो यमुना के अंदर हर साल करोड़ों रुपए ये लोग खर्च करते हैं, पर फिर भी आज भी यमुना नाले जैसी है। जो लोग दिल्ली में नहीं आए या दिल्ली में कभी उन्होंने यमुना नहीं देखी, तो मैं तो कहता हूँ आओ कभी दिल्ली देखो यमुना जी का क्या हाल है। यमुना जी को इन्होंने नाला बना दिया है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ये कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाले, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाली हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, कभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेट पता करो कि इनकी गाड़ियों के रेट क्या है। आम तौर पे जो आम गाड़ी है उनसे लगभग 3-3, 4-4 लाख रुपए की गाड़ियाँ महंगी हैं। इतनी महंगी गाड़ी कौन खरीदेगा? तो जब खरीदेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालने का फ़ायदा क्या है? दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली के अंदर करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाए हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, उन करोड़ों में से सिर्फ आप 2-4 पेड़ ही दिखा दो जो आज तक बड़े हो गए हो या जो जिनकी देखरेख हो रही हो। वो करोड़ों पेड़ दिल्ली के अंदर कहाँ लगाए गए हैं ये भी बता दो। दोस्तों ये इस तरह का बेदुआ मजाक करके दिल्ली वालों के जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। ऐसी पोस्ट तो ये लोग डाल देते हैं, पर ये पोस्ट डालने के बाद आम आदमी पार्टी खुद ट्रोल हो जाती है। सोशल मीडिया पे लोगों ने इस फोटो के बाद आम आदमी पार्टी को ऐसा खरा खोटा सुनाया कि मेरे को लगता है ये कमेंट्स देखने के बाद शायद उनकी रात को नींद उड़ जाए। दोस्तों एक ट्विटर यूजर ने इसी फोटो पे पोस्ट करते हुए, जिस फोटो पे आम आदमी पार्टी ने लिखा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल तो किस चीज़ में प्रतिबद्ध है आप सभी जानते हैं, घोटाले करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने इसी फोटो के ऊपर एक वीडियो उन्होंने डाली है और उसमें लिखा है अरे बेशर्मों। उसके बाद केजरीवाल साहब का एक वीडियो भी उन्होंने डाला है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, दिल्ली के अंदर हर जगह झीलें ही झील होंगी, और वाकई में ये काम तो उन्होंने कर भी दिया। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आस पास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं पूरे दिल्ली में। हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। अभी पीछे जब बरसात हुई है दिल्ली के अंदर हर जगह झीलें दिखी है, हर जगह पानी भरा हुआ था। होश खास साउथ एक्स जैसे जो पोश एरिए उनके अंदर 5-5, 6-6 फुट पानी भरा हुआ था, जो एक शर्मनाक बात है। पिछले 9 सालों के अंदर इन्होंने आज तक कोई प्लानिंग नहीं करी कि दिल्ली के अंदर अगर बरसात ज़्यादा आ जाए तो पानी की निकासी कैसे हो, कैसे ना हो। वैसे ये लोग पानी के लिए रोते रहते हैं, दिल्ली में जल संकट है। हमारे आतिशी 4-5 दिन के धरने पर भी बैठी थी, पर उसका हुआ क्या? खैर दोस्तों फिलहाल दिल्ली में छोटी सी बरसात हो जाए ना, थोड़ी सी भी, 1 घंटा भी अगर बरसात हो जाए तो बाढ़ के हालात हो जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, तो ये काम तो उन्होंने वाकई में कर दिया है। दिल्ली वाकई में
झीलों का शहर हो गया, और मुझे तो लगता है कि इनकी ऐसी मेहरबानी रही तो दिल्ली में एक दिन समंदर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा कि केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी तो आपके पार्टी ने, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2.5 घंटे तक पटाखे फोड़े। दोस्तों जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि दिल्ली में पटाखे बैन हैं, दिल्ली में पटाखे जलाना प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से छूटे तो उनके सामने ही उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर पटाखे बजाए और हमारे अरविंद केजरीवाल जी देखकर खुश हो रहे थे। मतलब ये दिखता है कि इनको दिल्ली के वासियों, दिल्ली वासियों की या दिल्ली में रह रहे लोगों की कितनी चिंता है, साफ साफ दिखता है। खैर दोस्तों एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा कि तिहाड़ में भी केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। साथ में एक फोटो डाली गई है और इस फोटो के नीचे कुछ चीज़ें फोटो में दिखाई गई हैं जिसमें दिख रहा है कि हम प्रदूषण भी हटाएंगे, हम यमुना भी साफ करेंगे, हम दिल्ली वालों को साफ पानी देंगे। दोस्तों आपको एक बड़ी हैरानी वाली बात बताता हूँ, इसके ऊपर बकायदा हमने एक वीडियो भी जारी किया है, 2 बार वीडियो हम लोग इसके ऊपर बना चुके हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए स्मोक टावर बनाए गए थे, एक कनॉट प्लेस में, एक पटपड़गंज के अंदर। जिस दिन ये स्मोक टावर बना, और स्मोक टावर की जो कॉस्ट आई थी लगभग 22-23 करोड़ रुपये के आसपास की कॉस्ट थी, और जिस दिन इसका उद्घाटन करना था उस दिन करोड़ों रुपये की एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सरकार ने दी, उसके बावजूद इसका बड़ी ही सारे टीवी चैनलों में इसका उद्घाटन दिखाया गया। हुआ क्या, इसका जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन ये सिर्फ एक दिन चला था, उसके बाद से लेके आज तक ये बंद पड़ा हुआ है, बकायदा जंग लगने लग गई है। करोड़ों रुपए जो दिल्ली सरकार ने लगाए थे वो आज बर्बाद हो रहे हैं, उन पर जंग लग रहा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस स्मोक टावर को लेके एक जांच होनी चाहिए, और बकायदा दिल्ली की जनता की जो गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई का जो टैक्स लोग पे करते हैं, उस टैक्स के पैसे से स्मोक टावर में बनाया गया था जो आज भी जंग खा रहा है, इन पैसे की रिकवरी आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से होनी चाहिए। ये हम हमारी जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार से उससे दरख्वास्त करेंगे, हमारे एलजी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इस स्मोक टावर के पैसे इनसे काटे जाने चाहिए। दूसरी बात है यमुना की, तो मैंने आपको पहले भी बताया यमुना आज के समय में नाले जैसी हो गई है, करोड़ों रुपए इसकी सफाई में खर्च करते हैं आम आदमी पार्टी, पर आज भी वो इतनी बुरे हालात में कि शायद उसको देखने के बाद आपको यमुना तो नहीं बल्कि आप ये कहेंगे कि कितना गंदा नाला है। दूसरी बात ये कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा, साफ पानी मिल जाए तो खैर बहुत बड़ी बात है, लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। आज भी दिल्ली के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें टैंकरों से पानी लाया जा रहा है, आज भी दिल्ली के लोग कहने लेके टैंकरों के पीछे भागते हुए आपको दिख जाएंगे, जो कि देश की राजधानी है। और कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश की राजधानी में आज भी दिल्ली वाले कैन हाथ में लेके, बाल्टी हाथ में लेके टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, ये शर्म वाली बात है। क्या दोस्तों एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा कि पूरी दुनिया के लोग उनके फेफड़ों को साफ करने के लिए दिल्ली आएंगे, केजरीवाल जी ने कमाल कर दिया है, जनता को सस्ती शराब भी मिल रही है, बिजली पानी भी दिल्ली में फ्री है, फिर तो लोगों के मजे ही मजे हैं। ये एक अलग ट्विटर यूजर ने कहा है और सही बात भी कही है, केजरीवाल ने जो सस्ती शराब के आड़ में जो घोटाला करा वो तो जग जाहिर हो गया। दोस्तों एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, अरे भाई कहाँ लगाए हैं पेड़, कोई फोटो तो डालो। मैंने आपको पहले ही बताया, इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सारे दिल्ली में पेड़ लगाए, तो मैं इनसे पूछा जाता हूँ पेड़ लगाए कहाँ गए हैं, उन पेड़ों की देखरेख कौन कर रहा है, किस क्षेत्र में वो पेड़ लगाए हैं, करोड़ों पेड़ जो लगे हैं उन पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए होंगे, तो वो पेड़ है कहाँ। आज तक हमें केजरीवाल सरकार ने एक पेड़ नहीं दिखाया कि भैया हमने इतना सा पेड़ लगाया था आज वो इतना बड़ा पेड़ हो गया, वो उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो मेरा तो अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना भी है और ये दरख्वास्त है कि जो करोड़ों पेड़ आपने लगाए हैं वो कहाँ लगाए, हमें उनकी लोकेशन दें, उनकी फोटो दें। दोस्तों इस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता इस फोटो के चक्कर में ट्रोल हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, और ऐसी बेइज्जती वो अक्सर अपनी कराते रहते हैं। दिल्ली वालों को बेवकूफ हर तरीके से बनाएंगे, इन्होंने कसम खा ली, दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाने नहीं छोड़ेंगे, जेल में रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, और दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाएंगे। आधे नेता इनके अनशन का ड्रामा करते रहते हैं, आधे नेता रैलियों में होते हैं, दिल्ली वाले बेचारे कहाँ जाएं, इनके तमाम जो आज के टाइम में MLA हैं वो आज लापता हैं, अपने क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये हालात इन्होंने दिल्ली की कर दी है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी के जो काम हैं, इनके जो कारनामे हैं, उनसे अगर आप भी दुखी हैं तो हमें अपनी खबर भेजें, हम अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक आपकी खबर को पहुंचाएंगे।
और इस तरह की तमाम वीडियो हमारे चैनलों पे आती रहेंगी। पार्टी कोई भी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, गलत करेंगे तो उनके कच्चा चट्टा हम खोलेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो जैसी भी लगी हो आपको हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।